Assalamualaikum and welcome to a very special feature with Miss Nausheen Sarfaraz, who is the current president of Amateur Gardening Club, running two gardening clubs alongside with that, and is a professional horticulturist with a very thorough research on different aspects of gardening and flowering. Miss Nausheen, welcome. And we would like to start this episode of thematic Shalimar Bagh with the history of it. Thank you, Ji. शालामार बाग एक ऐसा, मैं कहती हूँ, नज़रिया है कि जिसके बारे में हमारे मुल्क के लोगों को भी नहीं पता, और ये एक थीम पे बना हुआ बाग है, थीमेटिक गार्डन है। और अगर आप हॉर्टिकल्चरल मैगज़ीन्स को पढ़ते हैं दुनिया के, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि जी थीमेटिक गार्डनिंग एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो 18th सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने शुरू किया, वो 19th सेंचुरी में फ्रांस में आ गया, वो यू नो सो दे से कि इट्स अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे 1641 में मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने एक थीमेटिक गार्डन बनाया, एक थीम पे बनाया। शालामार का मतलब है जन्नत, पैराडाइज, और एक ऐसी अर्थली पैराडाइज जहाँ पे ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो हैं, फ्लोरा है, फौना है, प्लांट्स हैं, पानी है, वो एक कंप्लीट हार्मनी में रह रहे हैं, एक कंप्लीट हार्मनी में ग्रो कर रहे हैं। सो दैट वाज द थीम ऑफ शालामार बाग, एन अर्थली पैराडाइज। सो ये बहुत कम लोगों को पता है, शालामार तो सुनते हैं लेकिन उसको ये नहीं जानते कि ये एक थीम पे बनाया गया बाग है जो 1641 में शुरू किया गया था और 1642 में कंप्लीट हुआ था। और इसके जो पानी के वर्क्स हैं, जो कि लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी, वो सब कंप्लीट हुए थे 1644 में। इतना एक्सटेंसिव काम था। और अगर आप इस बाग की हिस्ट्री को लेते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि एम्परर शाहजहाँ, मुग़ल बादशाह जो था, उसने ये अपने एक ग्रुप ऑफ जो एक्सपर्ट्स थे उनको इकट्ठा किया। उसमें उसके इंजीनियर्स थे, उसमें उसके आर्किटेक्ट्स थे उस ज़माने के, उसमें उनके हाइड्रोलॉजिस्ट थे, उसमें उनके हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, और उनको उसने इकट्ठा करके ये बाग जो है इसकी बुनियाद डाली, इसको लेके चले। और जो इस बाग का मेन बंदा था करने वाला, वो उस ज़माने का उनका इंजीनियर अली मर्दान ख़ान था, और जो कि बहुत मशहूर है। और एक्चुअली इट इज़ अप टू हिम जिसने ये इस बाग को बनाया। और इसका जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इस बाग का, वो इसका हाइड्रोलिक सिस्टम है, कि उस ज़माने में ये सब फाउंटेंस जो यहाँ पे, ये आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये 153 फाउंटेंस हैं इस टेरेस के ऊपर और सारे 400 साल पुराने। और लाहौर क्योंकि हमेशा से एक ड्राई रीजन था, बारिशें कम होती थीं, तो इतना पानी जो है ये इन्होंने कैसे यहाँ पर लेकर आए, जबकि ना सिर्फ इस टेरेस पे बल्कि ऊपर भी, और इनके फाउंटेन्स हैं, सारे वॉकवेज के साथ फाउंटेन्स हैं, और इनका पानी कैसे लेकर आए। तो अली मर्दान ख़ान केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया, और उसने इंडिया की एक जगह माधपुर है, वहाँ से उसने कहा कि हम रावी का पानी लेकर आएंगे, और उसने एक कनाल बनाई जो कि 100 माइल्स पे और 161 किलोमीटर्स लंबी थी कैनाल। उससे वो पानी लेकर आए, फिर उन्होंने यहाँ पे टैंक्स बनाए, और उसमें वो पानी इकट्ठा होता था, एंड थ्रू द ग्रेविटी सिस्टम वो नीचे आके ये पानी ये चलाया करता था। ये जो पुराने टैंक्स थे, ये जब 1999 में ग्रैंड ट्रंक रोड, जो ये बाहर की सड़क वाइडन हुई, तो उनमें से एक टैंक को डिमोलिश कर दिया, और एक टैंक जो है वो अभी है। लेकिन उसका जो फंक्शन है ऑफ ब्रिंगिंग द वाटर टू दीज फाउंटेंस, अब वो ख़त्म हो गया हुआ है, और क्योंकि सड़क भी बन गई है, और अब वो ऊपर से मेट्रो एंड यू नो और चीज़ें भी बहुत बन गई हैं,
तो अब डिफरेंट तरह से पानी इनका, ये लोग अब इसमें स्टोर करके पानी रखते हैं इस टेरेस में, और वही पानी सर्कुलेट होता है। और अब क्योंकि लाहौर में करंट प्रॉब्लम डेंगी का है, तो खड़ा पानी भी नहीं आप रख सकते, तो इसमें फिर उन्होंने मछलियाँ छोड़ दी हुई हैं। सो द फिश इट ईट्स द लार्वा ऑफ द डेंगी, सो द वाटर इज़ लाइक यू नो इट कैन बी यूज्ड फॉर सर्कुलेशन, और ये सारे फाउंटेन्स उसकी वजह से जो है वो चल रहे हैं। तो बेसिकली इट वाज अली मर्दान खान, जिसको हम क्रेडिट देना चाहेंगे, ऑब्वियसली पेट्रोनाइज शाहजहां ने किया, शाहजहां ने बनवाया, लेकिन जो इसमें उसकी एक्सपर्टीज़ और जीनियस था वो दैट वाज यू नो अली मर्दान खान, जिसको हमें क्रेडिट देना चाहिए, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री एंड वी नीड टू टेल पीपल अबाउट दैट। कि शालामार बाग की सारी जो उसकी टेक्निकल उसका सारा वर्क है वो उसने करवाया था। तकरीबन उसको 2 साल लगे थे ये कनाल बनाने के लिए, 2 ईयर्स उसको लगे थे कि पानी लेकर आना और यहाँ पे इसको चलाना। यहाँ पे अगर आप देखें तो रेड सैंडस्टोन का बहुत यूज़ किया गया हुआ है, बारादरी भी बनी हुई है, फाउंटेन्स भी बने हुए हैं, एंड द मेन थिंग इज़ कि 400 साल पुराना। सो यू नो उस ज़माने में इंसान सोचने पे मजबूर होता है कि उस ज़माने की चीज़ कितनी देर पा थी, कितनी पायदार थी कि वो अभी तक चल रही है। और इसकी मेन वजह ये है, जो कि हमारे हिस्ट्री में लोगों को नहीं बताया जाता, कि उस ज़माने में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा था। उस ज़माने में कहा जाता है कि जो लिटरेसी रेट था वो 98% था इन द 16th एंड 17th सेंचुरी इन इंडिया। और कहते हैं कि जो सब्जेक्ट्स थे जो पढ़े जाते थे वो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स होता था, और उसके साथ जो मुसलमान हैं वो कुरान पढ़ते थे, हिंदू जो है वो अपनी वेदा, क्रिश्चियंस बाइबल यू नो अपनी किताबें पढ़ते थे। Even the people in the villages, the women, the you know old people, सब पढ़े लिखे थे। और ये एक सोचने की बात है कि ये जो मुग़लों ने इतने परफेक्ट मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, इतनी प्रिसिजन के साथ बनाए हैं, क्या ये एक अनपढ़ जाहिल मेसन्स बना सकते थे? नहीं। एट दैट टाइम जो उनके वर्कर्स होते थे वो भी हाईली एजुकेटेड होते थे, कि इतनी प्रिसिजन के साथ हर चीज़ बनाई हुई है उन्होंने, कहीं भी आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं नज़र आता उनकी प्रिसिजन वर्किंग में। सो ऑब्वियसली एक अनपढ़ बंदा ये नहीं कर सकता था। जो भी आप कर लें, आप कंपेयर कर लें आजकल के ज़माने में द मेसनरी वर्क यू नो, सो एंड देन यू कंपेयर द वर्क दैट इज़ डन बाय दोज पीपल। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बात की कि उस ज़माने में लोग अपने नाम का प्रचार नहीं चाहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि ये चीज़ मैंने बनाई है, मेरा नाम यहाँ लिखा होना चाहिए, मेरे नाम से ये चीज़ हो। वो कहते थे हमारा काम बोलना चाहिए, यू नो हमारा काम बोले कि ये इसने बनाई है, वो काम देख के लोग कहें कि ये इसका काम है, यू नो। सो ये एक हमारी ट्रेडिशन थी, पुराना एक हमारा ट्रेडिशन और कल्चर का हिस्सा था, जो कि अब वक्त के साथ ख़त्म हो गया। बल्कि इन ट्रेडिशंस को और इन चीज़ों को रिवाइव करने का अब टाइम है। ये सब अच्छी चीज़ें हमें अपने बच्चों को, हमारी अगली जनरेशन को बताना चाहिए कि दीज आर अ पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशंस, यू नो, एंड वी हैव टू revive them and we have to you know इनको आगे लेके हमें चलना है for the next generation। और ये कितनी अच्छी अच्छी traditions थी। so you know this is also a part of all the heritage buildings that are being you know यहाँ पे बनी हुई हैं। और ये साथ में कहूँगी कि इसका अली मर्दान खान का ये एक masterpiece था शालामार garden का, जो उसके यू नो जीनियस को शो करता था। और अब जो इसको दिस हैज़ बीन रिकग्नाइज बाय द वर्ल्ड आल्सो, बाय द हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आल्सो, कि 1641-44 में ये इतनी प्रिसिजन के साथ, इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये कैसे बनाया गया था, जबकि और कोई चीज़ नहीं होती थी, कोई मॉडर्न चीज़ें नहीं होती थी।
and working after 400 years, you know, which again itself is such a big thing. 400 साल में तो चीज़ें कहाँ की कहाँ ख़त्म हो के खंडर बन जाती हैं. सो दीज थिंग्स आर स्टिल देयर एंड विद अ लिटिल बिट ऑफ केयर, विद अ लिटिल बिट ऑफ यू नो क्लीनिंग अप, दे आर वर्किंग एंड दे लुक एज इफ दे हैव बीन मेड यू नो अ फ्यू ईयर्स बैक. और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज से कुछ साल पहले एक फ्लावर शो के लिए वी वेंट टू जापान और वहाँ पे हमें वो टूर दे रहे थे, पाकिस्तान से कोई 40-50 लोग गए हुए थे और दरख्त दिखा रहे हैं और ये जी 50 साल का दरख्त है, 50-year-old ट्री, वी कट इट हेयर एंड इट बिकम्स दिस, वी कट इट हेयर एंड इट बिकम्स दिस एंड हेयर, यू नो इन लाहौर ओवर हेयर वी हैव ट्रीज विच आर लाइक 300-400 ईयर्स ओल्ड, बट वी आर नॉट प्राउड ऑफ दैट थिंग, वी नेवर टेल, वी हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, हम इन चीज़ों को कभी बाहर से लोग आते हैं उनको नहीं बताते कि देखो हमारे मुल्क में इतनी पुरानी चीज़ भी मौजूद है. ये शो करती है कि हमारे पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कितने एडवांस थे, उन्होंने कितना अच्छा काम किया हुआ था, जबकि हम नेगेटिविटी पे हम फोकस करने पे आ जाते हैं. वो उनकी एक प्रिंसेस थी, वो हमें एक पैलेस में लेके गई, दिस इज़ द मॉस गार्डन, दिस इज़ यू नो 100-year-old गार्डन एंड ये पैलेस ऐसा है 100 साल पुराना. और मैं कहूँ लाहौर में हमारे पास फोर्ट कितने 100, वो कहते हैं कि इसकी हिस्ट्री तो हज़ारों में जा रही है, हज़ारों साल पुरानी है, इसके अंदर तो लेयर से लेयर्स निकल रही हैं. तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को, नए आगे जो जेनरेशन है उसको ये चीज़ें बताएं, सो दैट यू नो दे शुड बी एबल टू टेल पीपल कि लुक हमारा जो हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है, हमारा कल्चर कितना एडवांस था, जो कि हम इन चीज़ों को छोड़ बैठे हैं और हम और चीज़ों में पड़ गए हैं और पुरानी चीज़ों को हमने जो है वो ख़त्म कर दिया है. और ये एक फैक्ट है कि इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता अगर वो अपनी हिस्ट्री से सीखता नहीं. यू डोंट वॉन्ट टू मेक द सेम मिस्टेक्स, यू डोंट वॉन्ट टू री इन्वेंट द व्हील. आपने अपनी हिस्ट्री को जानना है, अपनी हिस्ट्री को पढ़ना है, उससे सीखना है, फिर आप आगे जा सकते हैं. मैं अपने हॉर्टिकल्चर में भी अपने क्लब के मेंबर्स को भी यही चीज़ कहती हूँ कि आपने सिर्फ नई चीज़ों पे, नई दवाइयाँ आ गई जी, नई चीज़ आ गई, ये लगा दो, ये स्प्रे कर दो, ये डाल दो, वो नहीं करना. यू हैव टू लर्न फ्रॉम द ओल्ड मेथड्स ऑल्सो. लाइक इन द ओल्डन टाइम्स द प्लांट्स वर नॉट, ये दवाइयाँ और चीज़ें तो नहीं होती थी और प्रॉब्लम्स तो होते थे, बट दे वर सॉल्व इन अ नेचुरल ऑर्गेनिक मैनर. आपने उन चीज़ों को रिसर्च करें, उनको आजमाएं और उनके साथ आप चलें, उन चीज़ों को लेकर आगे चलें. सो यू नो मेक यूज़ ऑफ योर हिस्ट्री, मेक यूज़ ऑफ व्हाट वी हैव बीन डूइंग सक्सेसफुली इन द पास्ट एंड देन यू नो गो ऑन टू द फ्यूचर. दिस इज़ यू नो द नीड ऑफ द डे एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन. अब इस बाग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि ये किस तरह से बना था. शालामार बाग जो है वो 3 levels पे बना हुआ है और इसके 3 terraces हैं और सबसे निचला टेरेस जो है वो हयात बख्श कहलाता है और वो टेरेस वो है जिसके ऊपर आम आवाम होती थी, वो वहाँ से आया करती थी और वहाँ उस बाग को एंजॉय किया करती थी, जो कि हयात बख्श कहलाती है. और उसके बाद ये जो मेन सेंट्रल टेरेस है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, दिस इज़ नोन एज द फैज़ बख्श. और फैज़ बख्श टेरेस वो होता था जो बादशाह के कोर्टियर्स होते थे वो सब यहाँ पे होते थे और ये सबसे खूबसूरत टेरेस होता था क्योंकि इसमें ये 153 फवारे लगे हुए हैं. ये उस ज़माने में ये इस मेन टेरेस जो है जो कि फैज़ बख्श टेरेस, पुरानी किताबों में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो अब क्यारियों में हमने मैरीगोल्ड्स लगाए हुए हैं, उस ज़माने में सरू के दरख्त होते थे और सरू के दरख्त का रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में पड़ता था. यानी रिफ्लेक्टिव गार्डनिंग कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय देम, बाय द मुगल्स. यू नो एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जो कि बाहर यूरोप वगैरह में
बहुत कम जगहों पे वो अभी भी है। याद से कोई 8-10 साल पहले मैं स्विट्ज़रलैंड गई और उनका एक शहर है लुसान, वहाँ पे गए, वहाँ पे एक उनका बड़ा पुराना वुडन ब्रिज बना हुआ है जो कि कहते हैं 100 साल पुराना है, और उसके अंदर जो है उसकी छत पे सारे फूल पेंट हुए हैं, रियल फ्लावर्स पेंट हुए हैं, और वही प्लांट फूल जो हैं वो उन्होंने उस ब्रिज की साइड में वुडन बॉक्सेस में लगाए हुए थे, और उनका रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में पड़ता था, एंड व्हेन यू वॉक इन द ब्रिज यू सी दोज फ्लावर्स ऑन द रूफ, यू नो द रिफ्लेक्टिव गार्डनिंग कॉन्सेप्ट। और ये यहाँ पे 400 साल पहले, मैं तो उसको पढ़ के हैरान हो गई कि वो ज़माने में इन्होंने सरू लगाए हुए और उसका रिफ्लेक्शन ये इस पानी में पड़ रहा है, यू नो कई चीज़ें निकलती आ रही हैं और इंसान हैरान होता है कि किस तरह उन्होंने ये चीज़ें डेवलप की और किस तरह कितना पुराना ये है। और हम बाहर जाके ये खुश हो रहे होते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमारा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, हमारे तो ना हमें पता है, हम उनसे सीख कर आएंगे, हम उधर से पढ़ के आएंगे। वी नीड टू, यू नो, वी नीड टू रिवाइव ऑल दैट। We need to tell people that look, this thing, I think originated over here. मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि उस ज़माने में यूरोप वगैरह में कुछ नहीं होता था, और ये यूरोपियंस खुद कहते हैं कि यूरोप उस वक्त उस ज़माने में was going through the dark ages in the 16th century, and ये एक यूरोपियन बंदा था, वो मुझे कहता था कि उस वक्त यूरोप में पीने का साफ पानी भी नहीं लोगों को मिलता था, जब मुगल्स ने ये इतना कुछ यहाँ बनाया हुआ था। तो ये उनकी जो एडवांसमेंट थी, उनका जो नॉलेज था, उनकी जो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थीं, वी नीड टू टेल पीपल अबाउट दैट, यू नो, टू प्रमोट आर हेरिटेज एंड टू टेल पीपल कि लुक, यू हैव टू लर्न फ्रॉम हेयर नॉट फ्रॉम देयर। ये चीज़ें हमें यहाँ पे बच्चों को सिखानी है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे रिवाइव करनी है और बताना है। सो नाउ दैट दिस प्लेस हैज़ बीन गिवन टू द वॉल सिटी, ये एक बहुत अच्छा ये डेवलपमेंट है, बिकॉज इन्होंने इस जगह को सबसे पहले तो बहुत अच्छा किया, साफ किया, फूल लगाए, क्लीन अप किया, और फिर इसको ओपन कर दिया फॉर द पब्लिक, यू नो, इट्स ओपन फॉर एवरीबडी टू कम एनी टाइम ऑफ द डे एंड सी। और ये एक कॉन्सेप्ट जो है, ये हमें अवामुन्नास को, लोगों को बताना भी चाहिए कि लुक, ये हमारी चीज़ है, हमने इसको ख़राब नहीं करना, हमने इसको इन्जॉय करना है, हमने इसे सीखना है, हमने इसे देखना है, लेकिन हमने इसको ख़राब नहीं करना। हमने दीवारों पे आके खुरचना नहीं है, अपने नाम नहीं लिखने, हमने गंद नहीं फेंकना, हमने पौधों को नहीं तोड़ना। सो ये जो चीज़ें हैं, ये भी हमने लोगों को इन बागों को ओपन करने के साथ सिखानी है कि ये आपकी अपनी चीज़ है, आपने इसको देख कर इसको इन्जॉय भी करें, लेकिन डोंट स्पॉइल इट। लाइक we go abroad, we go to their gardens, we enjoy them, and how proud they are of their, you know, the their gardens, how proudly they tell us ye 100 saal ye 150 saal purana hai, aur kitna unhone usko maintain karke rakha hua hai, kitna zabardast bana ke rakha hua hai। to ab inshaallah yahan bhi aisa hoga, aur ye humne logon mein ye promote karna hai ki unhone is cheez ko sahi bhi karke rakhna hai aur seekhna bhi isse hai। ये हमारे पीछे जो टेरेस है, और आप एक आबशार को भी देख रहे हैं, और इसके ऊपर जो आखिरी टेरेस है, इसको फराबख्श कहते हैं। फराबख्श का मतलब है द डिलाइटफुल टेरेस। और ये जो टेरेस है, ये मखसूस था बादशाह और मलका और उसकी शहजादियों के लिए। यहाँ पे अवामुन्नास जो है वो नहीं जा सकती, और बादशाह अपने हाथी पे आता था, सबसे नीचे हयात बख्श टेरेस से आता था हाथी पे, और फिर वो हाथी पे इस टेरेस पे आता था, फिर इधर से एलिफेंट स्टेप्स से चढ़ के ऊपर फरा बख्श में जाता था। और ये सबसे उनका एक, आप समझे कि अलहदा टेरेस था, विच वाज ओनली रिजर्व्ड फॉर द हैरम, फॉर द किंग एंड फॉर द क्वीन एंड प्रिंस एंड प्रिंसेसेस के लिए। और लेकिन जो सबसे खूबसूरत टेरेस है, वो इसका फैज़ बख्श टेरेस है, जहाँ पे ये सारे फाउंटेन्स हैं, जहाँ पे ये फूल और पौधे हैं, जहाँ पे ये इतनी ज़्यादा बारादरी हैं। सो ये भी एक चीज़ शो करती थी
कि किंग ने अपने जो कोर्टियर्स और उनके लिए ज़्यादा खूबसूरत जगह बनाई थी, जबकि अपने रहने के लिए जो उनकी जगह ऊपर थी अच्छी थी, बहुत अच्छी, बड़ी भी है, वहाँ भी फवारे हैं, बट नथिंग कंपेयर्ड टू दिस टेरेस। जबकि अब हमारे यहाँ वो एक रिवर्स चीज़ है कि अपने ऊपर आप इतना कर लो और बाकियों के लिए, अपने मुल्क के लिए और बाकी चीज़ों पे आप ना स्ट्रेस करो। सो ये अगेन एक और चीज़ शो करती है उस ज़माने की, अनदर एस्पेक्ट, यू नो। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान वक्त के साथ कंक्लूड करता है, अख़्ज़ करता है कि इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब हो सकता है। असल चीज़ तो अब नहीं है, लेकिन बहुत सी कहानियां हैं पीछे जो हमें पढ़ने को मिलती हैं, सोचने को मिलती हैं, और इंसान को चाहिए कि उनको साथ फॉलो करें। और ये वॉल सिटी के पास जब ये जगह आई कुछ महीने पहले, तो यहाँ पे कोई फूल नहीं थे, कुछ वाइल्ड सी प्लांटेशन थी जो यहाँ की गई थी, और ये एक बहुत इनका मेन सेंट्रल टेरेस है। तो यहाँ पे फिर सॉइल बनाकर मैरीगोल्ड्स की इस जगह को डेवलप किया गया। और अगर आप इस जगह को देखें तो ये कितनी खूबसूरत फ्लावर बेड जो बनी हुई है, ये भी फूल की शेप में बनी हुई है। ये जो इसकी एजिंग है, ये भी एक फूल के जो पेटल है, फूल की पंखड़ी की तरह ये बनी हुई है। और यहाँ पे इसका सॉइल बनाया गया, इसमें खादें डाली गई, राइस ऐश एंड फ्रेश मड को मिक्स करके, और फिर ये वॉल सिटी ने यहाँ पे मैरीगोल्ड्स जो हैं ये सारे लगाए। मुग़ल गार्डन्स की एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लांटेशन के हवाले से होती थी कि वो सेंटेड गार्डन्स होते थे उनके, वहाँ पे खुशबू का, फ्रेग्रेंस का एलिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था। उनकी जो क्वींस होती थीं वो बहुत इस पर स्ट्रेस करती थीं कि सेंटेड गार्डन्स को डेवलप किया जाए, और उसके लिए जो रोज़ेस होते थे वो लगाए जाते थे। जैसे अगर आप कलर का हार में देखें तो वहाँ पे नूर जहान ने रोज़ेस लगाए हुए थे, और वहाँ पे रोज़ से, देसी गुलाब से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सुना है आज तक मिलते हैं, जिसमें रोज़ वाटर है, जिसमें गुलकंद है। तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई हुई थी। तो सेंटेड गार्डन्स का कॉन्सेप्ट जो है ये भी मुग़लों ने शुरू किया था, और यहाँ पे ये खुशबूदार पौधे, चंबेली, रात की रानी, मरवा, मोतिया, ये लगाए जाते थे, और मैस प्लांटेशन होती थी। क्योंकि शाम को गर्मियों में आप बाहर निकलें तो वहाँ की जो हवा है वो फ्रेग्रेंट होती थी उन फूलों, उन पौधों की वजह से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेड गार्डन्स जो है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फीचर है, और मैं ये समझती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी मुग़लों ही ने इंट्रोड्यूस करवाया था, एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ आर हॉर्टिकल्चर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आर हॉर्टिकल्चरल हिस्ट्री ओवर हेयर। क्या, और हमें ये चीज़ें यहाँ लगानी चाहिए। और इसकी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि उस ज़माने में खादें नहीं होती थी, और लेकिन फूल जो हैं वो कैसे ये लोग करते थे। तो आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो मुग़ल क्वींस होती थीं वो अपने सेंटेड गार्डन्स को वो फीड करती थीं लस्सी के साथ। और मेरे घर में एक मोतिये का आर्च है जो मेरी मदर इन लॉ ने लगाया, इट इज़ अबाउट 80 years old। I started feeding that arch, there were two plants covering the arch, with lassi. Hafte mein ek dafa usko lassi dal deni. And you can't imagine the amount of flowers and the fragrance and the size of the plant, the size of the flower. Ke kitna zabardast hua, usko maine aur koi khad nahi dali, sirf maine hafte mein ek dafa usko lassi dal deni. और इसका फिर मैंने जब एनालिसिस कराया तो आई केम टू नो कि लस्सी के अंदर वो एक फॉर्म ऑफ कैल्शियम मौजूद होती है जो कि फ्लावर हेड जो है वो आसानी एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसका फूल बढ़ता है, जिससे उसका कलर ब्राइट होता है, जिससे उसकी खुशबू तेज़ होती है। सो ये भी आप देखें, अ पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री, अ पार्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चरल हिस्ट्री दैट वी हैव। और ये चीज़ें भी
लोगों को पता होनी चाहिए। ये चीज़ें भी वही मेरी बात है कि हमें चाहिए कि हम लोगों को यहाँ पे बताएं, उनको हम सिखाएं, बजाय इसके कि हम बाहर जा जा के उनकी चीज़ें सीख रहे हों। ये अगर आप देख रहे हैं दरवाज़ा, यहाँ से जो हाथी है वो गुज़रता था जिस पे बादशाह बैठ के जाता था। इसके बाएं हाथ पे ये एलिफेंट स्टेप्स बने हुए हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जहाँ से वो हाथी चढ़ कर जाता था। अगर आप इसके स्टेप को देखें कि कितना ब्रॉड है ये, यानी हाथी का पाँव यहाँ पे आता था। ग्रेजुअल है, बहुत स्टीप नहीं है, लेकिन चौड़ा स्टेप है। सो ये एलिफेंट स्टेयर्स हैं जहाँ से जाता था। और इसके दाएं हाथ पे अगर आप देखते हैं तो ये एक पुराना रैंप बना हुआ है जहाँ से वॉक करके ऊपर चढ़ के जाया जाता था। जो बाकी लोग हैं जो साथ जा रहे हैं वो इससे चढ़ के जाते हैं। और ये भी आप देखें कि इसका फ्लोर कितना पुराना है, इसके आप टाइल वर्क को देखें, पुरानी टाइल लगी हुई है। ये जिस टेरेस पे अब हम खड़े हैं ये फरा बख्श टेरेस कहलाता है, जिसका मतलब है द डिलाइटफुल टेरेस। और ये टेरेस शाहजहाँ ने अपनी मलका नूर जहाँ, जिसका मतलब है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए बनवाया था। और ये मखसूस था बादशाह और उसकी मलका और उसके प्रिंस और प्रिंसेसेस के लिए। अवामुन्नास यहाँ पे नहीं आ सकते थे। ये जिस बारादरी में हम खड़े हैं इसकी खासियत ये थी कि यहाँ पे बैठकर निचले दोनों टेरेस का आप व्यू ले सकते हैं, लेकिन नीचे से आपको ऊपर नहीं देखा जा सकता। सो ये एक इसकी अमेजिंग खासियत थी। दूसरा ये भी सुना है, किताबों में पढ़ा है कि जब मौसम अच्छा होता था, जब फूल होते थे, तो बादशाह अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर रहा करता था। वो कुछ दिन स्पेंड करता था, मे बी 5-6 days और अ वीक। और इसी टेरेस पे उसके यहाँ पे लिविंग क्वार्टर्स बने हुए थे, उसके रूम्स थे। किंग का कमरे अलहदा थे और मलका के कमरे जो हैं वो अलहदा थे। और अब वॉल सिटी अब आई है अथॉरिटी, अब आई एम श्योर वो उसको रिस्टोर करेगी, उसको सब इम्प्रूव करेगी, क्योंकि अभी तो वहाँ पे दिखाने को इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आई एम श्योर दे आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। और ये उसकी मेन बारादरी है जहाँ पे बैठकर व्यू लिया जा सकता था सारे टेरेसेस का, फाउंटेन्स का, फूलों का, हर चीज़ का, और येट आप एक अलहदा वहाँ पे बैठते थे। सो एक और जो ख़ासियत इस ज़माने की प्लांटेशन के हवाले से है कि यहाँ पे जो प्लांटेशन थी वो ज़्यादातर फ्रूट ट्रीज़ की थी, ब्लॉसमिंग प्लांट्स की थी, जिनमें खुशबू भी थी, जिनके अंदर फ्लावरिंग ट्रीज़ में अगर आप देखें जो फलदार दरख्त हैं, जिसके अंदर अनार है, जिसके अंदर आलूचा है, जिसके अंदर बादाम है। एक चीज़ आप ये देखें कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम विद क्लाइमेट चेंज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस ज़माने में लगा करती थी लेकिन अब नहीं लग सकती क्योंकि हमारा मौसम चेंज हो गया है, गर्मी हो गई है, लेकिन उस ज़माने में यहाँ कामयाबी से होती थी। सिट्रस गार्डन्स इनके होते थे और सिट्रस का जो ब्लॉसम होता है वो बहुत फ्रेग्रेंट होता है, तो वो उनके सेंटेड गार्डन्स के साथ वो यू नो कोइंसाइड किया करता था। रोज़ेस होते थे और फलदार दरख्त होते थे। जो घास का कॉन्सेप्ट है वो अंग्रेज़ों ने आके शुरू किया, दैट इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, लेकिन फलदार बड़े दरख्त होते थे, घनी छाँव में होते थे और उनके नीचे उनकी साइड पे फ्लावर बेड्स होते थे, जिसके अंदर मुग़लों ने अफ़गानिस्तान और इस तरफ जहाँ से वो मंगोल्स जहाँ से वो आए हुए थे वहाँ के फूल, जिसमें ट्यूलिप्स हैं, नार्सिसस हैं, वो यहाँ पे आकर लगाए हुए थे, जो कि हमें उनकी पेंटिंग्स में नज़र आता है। सो बहुत से ऐसे फूल हैं जो ज़माने में यहाँ बहुत कामयाबी से होते थे जो कि अब नहीं नज़र आते, लेकिन अगेन ये शो करता है कि बाहर ये सब चीज़ें यहाँ से गई हैं, ये पहले यहाँ हुआ करती थी। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आर हिस्ट्री एंड दैट इज़ द स्टोरी एंड दैट इज़ द मॉरल ऑफ द होल थिंग। थैंक यू।